विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम ईरान के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, जहां आपको बताएंगे कि ईरान में चल रहे घटनाक्रम की जड़ें कहां तक हैं। ईरान में क्या चल रहा है, ये वो सवाल है जो ईरान के हालिया घटनाक्रम पर नज़र रखने वाले हर इंसान के जहन में उभर रहा है। ईरान में दंगाइयों की ओर से समय समय पर मचाया जा रहा उत्पात, आम लोगों का कत्लेआम और तोड़फोड़ पर नज़र रखने वाला हर इंसान जानना चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ईरान में चल क्या रहा है। अगर मुख्तसर से शब्दों में इसका जवाब दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का ऑपरेशन एजेक्स फिर से शुरू हो चुका है। वेस्टर्न और सऊदी मीडिया चीख चीख कर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ईरान की मोरल पुलिस की कस्टडी में कथित रूप से मारी गई महसा अमीनी नाम की बीमार युवती की मौत के बाद ईरानी जनता हिजाब के कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। जबकि सच्चाई ये है कि महसा अमीनी के बहाने अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों की खुफिया एजेंसियां ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन एजेक्स 2022 शुरू कर चुकी हैं। अरब देशों की दौलत का सहारा लेकर इसराइल भी ईरान में आग लगाकर तमाशा देखने में जुटा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और इसराइल जी जान से ईरान को तोड़ने की साजिशों में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जो बयान दिया था कि हम जल्द ही ईरान को आज़ाद देखेंगे, वो इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। हालांकि बाद में जॉन किर्बी ने इस बयान पर सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो ईरानी जनता से हमदर्दी दिखाने के लिए कही गई बात थी। ईरान जानता है कि उसे किन मुश्किलों का सामना है और उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं। वो दुश्मनों के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमेरिका ऐसी साजिशों को आग और खून का खेल कहता रहा है और इस खेल में उसके सबसे अहम और कारगर मोहरे मीडिया, पैसा और प्रचार तंत्र है। हमने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पूर्वी यूरोपीय देशों और मध्य पूर्व में कई देशों में इसका अनुभव भी किया है। आज से 10 साल पहले की ही बात है जब सीरिया और लीबिया में इस जंग का सबसे आधुनिक रूप देखा गया, जब साम्राज्यवादी देशों ने कुछ देशों का नियंत्रण इलाके में अपने पिट्ठू देशों के हाथों में सौंपने के लिए ये घिनौनी साजिशें रची। आज ईरान में जो कुछ हो रहा है ये वही काम है जो अमेरिका और ब्रिटेन 1952 में भी ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक की निर्वाचित सरकार के खिलाफ कर चुके हैं। ईरान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने जब ईरान के तेल को लूटने वाले ब्रिटेन के पर कतरने के लिए देश में सुधार लागू किए तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनका तख्ता ही पलट दिया। तेल का राष्ट्रीयकरण करने वाले मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के नेशनल हीरो की तरह जाने जाते थे और देश उन्हें एक हीरो की शक्ल में उभरते हुए देखना चाहता था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी कठपुतली राजशाही के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से ही बेदखल कर दिया। माजी के पन्ने पलटने हैं और ना ही इतिहास को बयान करना है, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो कुछ बातें साफ हो जाती हैं और वो ये कि 1952 में मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटिश एजेंसियों ने जो ऑपरेशन एजाक्स चलाया था वही ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ CIA ने न्यूज़ विश्लेषकों, पत्रकारों, धर्मगुरुओं, राजनेताओं और फौजी अफसरों की वफादारी खरीदने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। CIA ने इस काम के लिए उन्हें माहाना $10,000 दिए। मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए CIA ने उस वक्त $19 मिलियन से अधिक की रकम खर्च की थी। इस ऑपरेशन की कमान संभालने वाले अमेरिकी खुफिया अधिकारी केर्मिट रूजवेल्ट के अनुसार शुरू में ऑपरेशन एजाक्स का सारा जोर झूठे प्रोपेगेंडे, मीडिया वॉर, मस्जिदों
गली कूचों और आम रास्तों में मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ निरंतर प्रचार पर था। साम्राज्यवादी शक्तियों का पहला काम मुसद्दिक की शोहरत को कम करने, दंगों और हिंसा को भड़काने के लिए सड़कों पर बदमाश टोलियों और गिरोहों को उतारना था। आज ईरान में जो कुछ हो रहा है वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पर है। हाँ, इस बार संसाधन थोड़ा और आधुनिक हो गए हैं। ईरान दुश्मन ताकतें नई तकनीक और झूठ की मशीनों पर सवार होकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अलबत्ता आज अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज का ईरान मुसद्दिक के ज़माने के ईरान से बिल्कुल अलग है। वो एक आज़ाद, संप्रभु और अपना फैसला लेने में सक्षम देश है। वो किसी देश के अधीन है, न किसी धड़े के प्रभाव में रहता है। वहाँ सत्ता परिवर्तन का ख्वाब भी आसान नहीं है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन का मकसद भी सत्ता परिवर्तन न होकर सिर्फ इतना है कि ईरान में अराजकता और अशांति फैलाएं, ताकि ईरान अपने अंदरूनी मामलों में उलझकर रह जाए और पड़ोसी देशों और इलाके में उसका प्रभाव न बढ़े। अगर मुसद्दिक का जुर्म तेल का राष्ट्रीयकरण था तो आज के ईरान का कसूर सिर्फ परमाणु और सैन्य अक्षमता, औद्योगिक एवं कृषि मैदान में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही नहीं, बल्कि चीन और रूस जैसे देशों के साथ उसके रणनीतिक समझौते भी हैं, जिसने अमेरिका को चिंतित कर दिया है और वो ईरान के खिलाफ खुलकर साजिशें करने पर उतर आया है। अमेरिका ने ईरान को अशांत और अस्थिर करने की रणनीति तो बनाई है, लेकिन क्या उसने सोचा है कि ईरान जब इस संकट से कामयाबी के साथ निकल आएगा तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका के लिए इसका अंजाम यकीनन अच्छा नहीं होगा और ईरान इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने और अमेरिका के मुकाबले अपने राजनीतिक समीकरण और अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करने के लिए पहले से कहीं अधिक और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा, और ये काम अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये थी हमारी आज की ख़ास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की अहम खबरें पाने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।